So today's topic, Indian freedom fighters. Indian freedom fighters. First one is the Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak. इनका फेमस नाम था, एक और नाम से भी जाना जाता है. He known as a लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक. He established the New English School at Pune, and he joined INC. INC meaning Indian National Congress. Indian National Congress in 1891. He started the Ganpati Utsav and Shivaji Festival in 1893 and 1896 respectively. उनका मीनिंग ये नहीं था कि हम जो है गणपति उत्सव मनाएंगे या फिर शिवाजी उत्सव मनाएंगे. इसके पीछे का मनाने का जो मेन मोटिव ये था कि जो भारतीय थे वो एक जगह पे इकट्ठे हो सकें और साथ ही साथ क्या कर सके, वो कुछ सलाह मशवरा कर सके कि आगे की जो प्रोसेसिंग है कैसे जो है हम हमारी फ्रीडम के लिए लड़ाई जो है किस तरीके से लड़नी है. इसीलिए उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी फेस्टिवल को जो है शुरू किया था. He founded the Home Rule League in 1916. Home Rule League के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था. एक एनी बेसेंट थी इससे रिलेटेड और दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक जी. और इन्होंने स्लोगन दिया था, He gave the famous slogan. कौन सा famous slogan था? स्वराज्य is my birthright. स्वराज्य is my birthright. Birthright, I shall have it. मैं इसे लेकर ही रहूंगा. स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा. I shall have it. Six point. He wrote the
बुक्स, उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी। कौन कौन सी बुक थी? द आर्टिक होम इन दी वेदास, होम इन दी वेदास, और दूसरी लिखी गीता रहस्य, गीता रहस्य। ये उनके द्वारा कुछ बुक थी जो लिखी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल पहले करेंगे। ये तीन नेम फेमस थे, लाल से यानी कि लाला लाजपत राय, पाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से यानी कि बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, कई बार बच्चे लाल से जो है लाल बहादुर शास्त्री टिक कर आते हैं, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब हम पेपर में बैठे होते हैं तो बुद्धि ज्यादा चलना शुरू कर देती है। एक तो प्रेशर हो जाता है, और दूसरे कई बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे माथे पे ऐसे बैठे हैं, सीधे बैठ के नहीं पढ़ते, फिर वो दिमाग उल्टा चलना शुरू हो जाता है। क्यों वीर दीवान, सीधा क्यों नहीं बैठता? आ रहे हैं, देख लो, भूखा मर रहा है, नाखून खा रहा है, अभी भी खाना खा के आता। बिपिन चंद्र पाल लिखो भाई। ही स्पोर्टेड दी, ही स्पोर्टेड दी स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट कब चलाया गया था? आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बायकॉट मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। वो तो याद नहीं रहा होगा, मुझे मालूम है। उसके बाद एंड ही फाउट, हंस रहा है वीर दीवान, है ना, बलवंश राय मेहता। फाउट दी कॉजेस ऑफ दी टी गार्डनर्स, वो चाय के जो गार्डनर्स थे उनके लिए भी उन्होंने फाइट की थी, यानी कि ब्रिटिशों से लड़ा था। उसके बाद इनके कुछ न्यूज़पेपर्स थे जो कि इनके द्वारा स्टार्ट किए गए थे। कौन कौन से न्यूज़पेपर थे? सबसे पहला आता था परिदर्शिका, परिदर्शिका। उसके बाद दूसरा आता था पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन। ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था। एंड ट्रिब्यून। उसके बाद स्वराज्य, ये इंग्लिश वीकली था, ये इंग्लिश वीकली था इन लंदन। उसके बाद नेक्स्ट वन हिंदू रिव्यू, हिंदू रिव्यू। हिंदू रिव्यू, और इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई थी, बुक का नाम था न्यू इंडिया। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय का टाइम पीरियड 1865 टू 1928 तक रहा। इनको बोला जाता था शेरे पंजाब। ही वाज कॉल्ड द लॉयन ऑफ पंजाब, लॉयन ऑफ पंजाब। और महाराजा रणजीत सिंह को भी बोला जाता था किसी टाइम में शेरे पंजाब। उसके बाद ही इंस्पायर बाय महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी से जो है इंस्पायर हुए। ही इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी से जो है इंस्पायर हुए थे। सॉरी, नॉट महात्मा गांधी, महात्मा हंसराज।
महात्मा हंसराज एंड ही एस्टैब्लिश्ड दी डीएवी कॉलेज एट लाहौर। इन्होंने लाहौर में एक स्कूल बनाया डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, आज भी चलते हैं ये स्कूल और कॉलेजेस। नेक्स्ट वन इज दी फोर्थ नंबर, he was the president of the special session of the Congress INC at कलकत्ता सेशन। अब आप बोलोगे कि सर आपने कलकत्ता के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, जिस समय की बात कर रहा हूं उस टाइम पे जो कोलकाता था उसे कलकत्ता ही बोलते थे। एंड ही ओपोज्ड दी इन्होंने विरोध किया था किसका, विथड्रॉल ऑफ NCM यानी कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन 1922, जब गांधी ने जो है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को विड्रॉल कर दिया था, तो इनको जो है उनके खिलाफ ये बोले थे कि ये नहीं करना चाहिए था, हमने तब अपने पैर पीछे खींचे जब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब थे। उसके बाद फिफ्थ नंबर, he founded the Swaraj Party with the Motilal Nehru के साथ मिलकर, और किसके साथ मिलकर, C.R. Das के साथ मिलकर कौन सी पार्टी बनाई, स्वराज्य पार्टी बनाई। And he was injured during the protest, जब उन्होंने protest किया था किसके खिलाफ, against Simon Commission के बारे में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, Simon Commission के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके कुछ न्यूज़पेपर भी थे, कुछ एडिटर थे ये, किस किस के एडिटर थे, एडिटर एक तो थे बंदे मातरम न्यूज़पेपर था, और दूसरा था दी पंजाब एंड द पीपल। हाँ भी उसकी एंट्री, नाम तो सुना ही होगा, नाम रिश्ते में तो हम शहंशाह लगते हैं, नाम है महात्मा गांधी। गांधी रिटर्न बैक टू इंडिया। गांधी वापस आए थे कब, in 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अब कौन बताएगा कि कौन सा डे मनाया जाता है जब गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, ऐसा कोई शूरवीर हो जो आंसर बताना चाहता हो। कोई शूरवीर नहीं है, सब कायर हैं। He lead the
लीड दी चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह इन 1917 अगेंस्ट दी तीन कठिया सिस्टम क्या था वो पिछली स्लाइड में मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह He started the non-corporation movement in 1920. नेक्स्ट वन इज दी भगत सिंह, भगत सिंह ही स्टार्टेड दी पंजाब नौजवान सभा in 1926 or Bhagat Singh, Sukhdev organized the Lahore Students Union for open legal work among the students की मांगों को रखने के लिए कौन सी बनाई गई, लाहौर स्टूडेंट यूनियन बनाई गई। एंड ही एसोसिएटेड विद HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन रिपब्लिकन एसोसिएशन। ही किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स इन 1928 एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन द लाहौर कॉन्स्परेंसी यानी कि बॉम्ब बनाने में ऐसा माना जाता था कि भगत सिंह का हाथ था एंड बॉम्ब फेंक दिए। कहां पे बॉम्ब? एट सेंटर लेजिस्लेटिव
असेंबली में बम किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि गोरी सरकार को आवाज सुनाने के लिए बनाए गए थे। फिफ्थ नंबर, एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड, उसके बाद इनको एग्जीक्यूटेड कर दिया गया, मार दिया गया, फांसी सुना दी गई ऑन 23 मार्च। इतना डर था, वैसे उनकी जो फांसी की सजा थी वो 24th को थी, बट एक दिन पहले ही दे दी गई 1931 में। ठीक है, आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में करेंगे।